मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में साल 2024-25 के लिए 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। हर समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 6 स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता मांगी थी, लेकिन उसे 4 प्रमुख पैनल की अध्यक्षता दी गई। इसमें विदेश, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण मामलों की समिति शामिल है। राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है। सोनिया गांधी का नाम किसी भी समिति में नहीं है, तो वहीं बीजेपी 11 समितियों की अध्यक्षता करेगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और आईटी समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत भी इस समिति का सदस्य बनाई गई हैं। टीएमसी और डीएमके के खाते में दो दो समितियों की अध्यक्षता आई है। जेडीयू, टीडीपी, एसपी, शिवसेना और एनसीपी को एक एक समिति की अध्यक्षता दी गई है। बता दें कि हर डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इन सभी कमेटी का कार्यकाल 1 साल से ज़्यादा का नहीं होता।